दोस्तों कैसे आप सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कल्टीवेटर के एपिसोड सेकेंड को। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्विन झाओ सिटी के बारे में बताया जाता है जो जिया जून कॉन्टिनेंट में होता है। फिर हमें बहुत से लोगों को भी दिखाया जाता है जो यहाँ एक हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, और हमें दिखाया बताया जाता है कि एक लड़का बोर्ड लेकर खड़ा होता है और बोलता है कि जिसको भी पार्टिसिपेट करना है क्विन कॉन्सेप्ट में आउट ऑफ सेक्ट ट्रायल के लिए, वो पहले मुझे रिपोर्ट करे और मैं कल तुम लोगों को गाइड करूँगा कुंजाओ माउंटेन पे, जो जहाँ पे तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा सके। ये सुनकर सब वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि मैं भी रजिस्टर करूँगा, मेरे रास्ते से जो मैं कुंजाओ सेक्ट में एंट्री टेस्ट लूँगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बताता है कि मैं उस अटैक से बचने के बाद 3 साल पास हो चुके हैं और ये दुनिया पूरी बदल चुकी है। जो फील्ड है वो सब सी में कन्वर्ट हो चुका है, मैंने ये सोचा नहीं था। फिर ये चांजाओ बताता है कि एक्चुअली जो कंजाव सिटी है बहुत ज़्यादा ही ट्रबल्स में है इस समय। फिर हमें सेक्ट के बारे कंजाव सेक्ट के बारे में बताया जाता है जो इसके इंसेक्टर थे, ये चांजाओ थे जो हमारे मेन करेक्टर हैं अभी के। फिर बताया जाता है कि जो इसके प्राइम डिसिपल थे और मिलियंस ऑफ डिसिपल थे उस उन सबको ये चांजाओ ने ही ट्रेन किया था और 9 मिस्टिक रेलम में नंबर 1 सेट को बना दिया था। फिर वो सोचता है कि जो जिस मैं सोच 3 साल के बाद वापस आने के बाद भी मैंने सोचा नहीं था कि ये सब बदल जाएगा कुंजा सेक्ट में। अब फिर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का कपड़ा खींचती है और बोलती है कि क्या बदल आप बीमार हैं, आप अपने आप से क्यों बात कर रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है या देखकर शॉक हो जाता है, आज सोचता है कि ये तो ट्विन डाओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यिन एंड यांग की बॉडी है। ये बॉडी तो सुपीरियर डाओ बॉडी होती है पूरे रिलम में। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आउटस्टैंडिंग टैलेंट इस लोअर वर्ल्ड में भी हो सकता है। फिर छोटी बच्ची कहती है कि बड़े भाई ऊपर देखो, जो एक बड़ा सा पाइथन है स्काई में है, ब्लैक पाइथन। ये सब सुनकर वहाँ के जो लोग होते हैं हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लड़की क्या बकवास कर रही है, आसमान में एक पाइथन कैसे हो सकता है, ये कहकर हंसने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो ट्विन डाओ बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा इनकैपेबल होती है और सेंसिटिव होती है आउटर वर्ल्ड के क्रिएचर को जानने के लिए। फिर हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जो वास्तव में एक ग्रीन कलर का डस्ट होता है, और वो बताता है कि आज कान जाओ में डिजास्टर आएगा। फिर कुछ लोग देखकर कहते हैं होली सिटी ये सब क्या है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है एक वास्तव में एक ब्लैक पाइथन दिखाया जाता है जो पूरे आसमान को घेरे हुए होता है। ये सब देखकर वहाँ के लोग डरने लगते हैं और वहाँ से भागने वगने इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो एक डीमन पाइथन है जो वास्तव में हाँ क्या कोई मजाक कर रहा था, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तो अभी वर्जिन हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। जो ब्लड किंग होता है वो बोलता है कि मैं हंड्रेड्स ऑफ मार्शल आर्टिस्ट को गैदर कर रहा था, चाहता था कि मैं करूँ। ये करके वहाँ से उस अपने पुश से वो अटैक कर देता है और बहुत से लोगों को मारने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत से लोग मर गए होते हैं और बोलता है पाइथन की कुछ समय बाद खोजने के बाद फाइनली जो मैंने 800 लोगों मार्शल आर्टिस्ट का ब्लड पी लिया है जिससे कि मैं अपने ड्रैगन ट्रिबुलेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ, ये कहकर हंसने लगता है। फिर वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम एक ह्यूमन की लैंग्वेज में बात कर सकते हो। फिर दिखाया जाता है कि वो कहती है कि जो बारबेरिक बीस्ट होते हैं उसका स्टेज होता है ट्रांसमाइग्रेशन, और बोलती है कि जो तुमने 800 8000 मार्शल आर्टिस्ट का ब्लड जो तुमने पिया है
उसे मैं तुम्हें इस सिटी में और तबाही करने नहीं दे सकती। और इसके बारे में, इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि यह हान जेंगलिंग है। ऑनगोइंग जान सेक्ट में वर्बिनिया बर्ड हाल के वो उसके पीछे उन सबके सारे प्रिंसिपल है। फिर हमारे ब्लैक पैथर का बोलता है, ये सब तुम बकवास क्या कर रही हो। फिर हमें देखते हैं कि सभी बढ़ाल के डिसिपल उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। आज वो लड़की कहती है कि ये बीस्ट बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, इस चांद घाव कैन घाव के पीपल के लिए, इसलिए इस पर कोई भी मर्जी मत दिखाना, इसे मार दो। आज का स्पोर्ट बस यहीं पर ही। धन्यवाद मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।